Hello, dear learners. This is day 47 of our English certificates. And today we will be discussing about the part 2 of health related sentences. I feel like vomiting. Take a dose of the medicine every 4 hours. Dawa ke khurak har ek 4 ghante peete raho. Fresh air is rejuvenating. शुद्ध हवा हमारी शक्ति को बढ़ाती है। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल टूडे सॉरी आई एम नॉट फीलिंग वेल टूडे आज मेरा जी ठीक नहीं है। हिज फीट आर स्वेलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। चलते चलते उसके पैर में सूजन आ गई। माई हेल्थ इज डाउन मेरी सेहत बिगड़ी हुई है। टेक अ परगेटिव परगेटिव जुलाब ले लो। सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज दिस। वह बीमारी से तंग आया हुआ है। ही इज फेड अप विथ हिज इलनेस। नीम हकीमों से बचो। बिहेवियर ऑफ क्वैक्स। वह आज कैसा आया है। हाउ इज ही टूडे। हिज हैंड वॉज डिसलोकेटेड बाय प्लेइंग वॉलीबॉल। वॉलीबॉल खेलते खेलते उसका हाथ उतर गया। वह कल से आज अच्छा। ही इज बेटर टूडे। ही इज बेटर देन यस्टरडे। ही इज फीलिंग बेटर टूडे। यह दवा आपके बुखार को उतार देगी। दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन। ही हैज हेडेक। उसके सिर में दर्द है। सम सेंटेंसेस रिलेटेड टू वेदर। कल रात भर थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रही। इट केप्ट ड्रिजिंग थ्रू आउट द नाइट। द स्काई इज ओवरकास्ट। आकाश का पर काले बादल छाए हुए। इट इज टेरिबली हॉट। गर्मी से सिर चक्कर खा रहा है। द हीट हैज मेड मी जीडी। इवन एन अम्ब्रेला इज यूजलेस इन हेवी रेन। अधिक वर्षा में छाता भी काम नहीं देता। इट इज गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है। इट इज वेरी ह्यूमिड। उमस बहुत बढ़ गई है। इट्स सल्ट्री। बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत है और हवा बिल्कुल मंद है। द विंड इज ऑलमोस्ट स्टिल। हवा लगभग बंद है। कूल विंड इज ब्लोइंग। हवा में हल्की ठंडी है। द रेन प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। वर्षा कारण मैं नहीं गया। दैट्स ऑल फॉर द डे।